पाकिस्तान फिर से एक और नापाक चाल चलने की फिराक में है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले के बाद से ही पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। लगातार इस कोशिश में पाकिस्तान जुटा है कि भारत में कैसे आतंकी हमले करवाए जाए। इस बार आतंकियों के निशाने पर टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेता भी शामिल हैं। ऑल इंडिया लश्कर ए तैयबा नाम के संगठन की ओर से एनआईए को भेजे गए खत के बाद विराट कोहली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकियों का गढ़ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले से भयंकर तरीके से बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद से पाकिस्तान की तिलमिलाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बार आतंकियों ने एक खत के जरिए आतंक का माहौल पैदा करने की साजिश की है। इसकी जानकारी एनआईए को मिल चुकी है। इस खत में भारत की नामचीन हस्तियों को निशाने पर बनाया गया है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और देश के प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर रखने का जिक्र है। राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ऑल इंडिया लश्कर ए तैयबा नाम का आतंकी संगठन देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी और विराट कोहली के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सरसंघ संचालक मोहन भागवत, राष्ट्रपति कोविंद, बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक, बीजेपी महासचिव राम माधव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये लिस्ट एनआईए के ऑफिस में भेजी गई थी, जिसमें भेजने वाले के नाम की जगह ऑल इंडिया लश्कर ए तैयबा हाई पावर कमेटी कोझिकोड केरला लिखा हुआ है। हालांकि देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं, इसलिए आतंकी किसी भी नापाक मंसूबे को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो सकते, वरना उन्हें इसका करारा जवाब जरूर मिलेगा। R9 TV के लिए कमलेश सिंह की रिपोर्ट।